सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्लोबल रेडिएशन के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने जो बात किया था वहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में हमने बात की थी, तो आज का ये वीडियो है ग्लोबल रेडिएशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल रेडिएशन किसे कहते हैं और किस तरह से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है, तो रेडिएशन पासिस थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर बिफोर द रीचिंग द अर्थ सरफेस। दोस्तों याद कीजिए उसमें हमने बात की थी वहाँ पे सन से लेके मतलब सूर्य से लेके जो पृथ्वी होती है उसके बाहर का एटमॉस्फेयर वहाँ तक की बात हुई थी, जहाँ की वैक्यूम यानी कि जीरो ग्रेविटी में। लेकिन दोस्तों अभी जो बात हो रही है यहाँ पे ग्लोबल रेडिएशन की, तो ग्लोबल रेडिएशन है दोस्तों वो रेडिएशन यहाँ पे पास होता है। ग्लोबल रेडिएशन किसे कहते हैं, तो रेडिएशन पास मतलब रेडिएशन होता है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में से पास होके अर्थ की जो सपाटी है यानी कि जो लैंड है उसके ऊपर पहुंचता है, तब तक का जो एटमॉस्फेयर में से वो पास होता है उसको हम यहाँ पे ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं दोस्तों। तो ये रेडिएशन इस तरह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर में से पास होता है। अब आगे बात करें तो ड्यूरिंग दिस टाइम रेडिएशन इज एब्जॉर्बिंग एंड स्कैटरिंग। दोस्तों यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ये एटमॉस्फेयर में से पास होगा तब इसमें से एब्जॉर्ब होगा, मतलब यहाँ पे जो रेडिएशन है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्ब और स्कैटरिंग दोनों चीजें यहाँ पे इस दौरान होगी, एटमॉस्फेयर में से जब पास होगा तब ये चीजें होगी यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, तो रिजल्ट इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस। यानी कि दोस्तों देखो अब जो रेडिएशन था वो आउटर स्पेस मतलब जब स्पेस में था जीरो ग्रेविटी में तब उसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में आया तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एब्जॉर्प्शन होगा तो आपको भी पता है जो रेडिएशन है उसकी थोड़ी अमाउंट कम होगी, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ जो उसका रिजल्ट, यानी कि मान लो कि 10 किलोवाट मिल रहा था तो 10 किलोवाट अभी नहीं मिलेगा हमें वो मिलेगा 9 या 8 किलोवाट मिलेगा, तो कम हो जाता है उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद। एटमॉस्फेयर उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा तो सपाटी जो पृथ्वी की सपाटी यानी कि अर्थ है अपने अर्थ के ऊपर लैंड है उसके ऊपर आते आते वो उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा पावर, ये बताना चाहते हैं दोस्तों। अब आगे बात करें तो रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इरेडिएटेड, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है जो ऑलरेडी इसके बाद में दिखा था, वो अभी आपको बता दें कि कौन से ग्राफ पे क्या है। तो रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम इरेडिएशन इट इज एक्सप्रेस इन वाई एक्सिस, यानी कि दोस्तों मैंने वो वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और वेवलेंथ NM ऑन द एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। अब द स्मूथ कर्व रिप्रेजेंट, अब मैंने वो कर्व एक बनाया है वो आपको दिखाता हूँ, तो चलिए डायरेक्ट ग्राफ पे चलते हैं, बात करते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, वेवलेंथ है वो ली हुई है और एक यहाँ पे स्पेशल बीम रेडिएशन लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ग्राफ बना के दिया है दोस्तों आपको, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ग्लोबल रेडिएशन किस तरह से क्या है वगैरह। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदाश्रम हार्दिक को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, उसका जल्द से जल्द रिजोल्यूशन आपको दूंगा दोस्तों। याद रखिएगा ये वीडियो ग्लोबल रेडिएशन का है, जो ग्लोबल रेडिएशन होता है वो स्टार्ट होता है, वेव तो एक ही है अपने पास सूर्य में से निकले वो ही वेव से, लेकिन वो वेव्स एटमॉस्फेयर यानी कि जो अर्थ है अपनी अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें आने के बाद से लेके लैंड मतलब पृथ्वी तक मतलब अर्थ की सपाटी तक आने के तक के जो रेडिएशन है उसको हम ग्लोबल रेडिएशन बोलते हैं। आउटर स्पेस यानी कि पृथ्वी की बाहर जो उसकी ग्रेविटी उसके बाहर का मतलब जीरो ग्रेविटी में है, सन से लेके जीरो ग्रेविटी यानी कि वो जो पृथ्वी की बाहर की सपाटी तक आता है उसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ये वीडियो सेम टू सेम गुजराती लैंग्वेज भी आएगा तो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन तो प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही गुजराती लैंग्वेज में अपडेट करूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।